हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ मेरी रेसिपीज भी एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा बहाना देते हैं हमारे पास तो ओवन नहीं है, हम तो घर पर पिज़्ज़ा बना नहीं सकते। तो बिना ओवन के भी इजीली पिज़्ज़ा रेडी होता है घर पर भी, बिल्कुल डोमिनोज जैसा। बस दो चीज़ें हैं, उन्हें दिमाग में फिट कर लेना है, बिल्कुल उसे माइंड में फिट करके रख लेना है। तो सबसे पहला है, जब आप पतीली कढ़ाई प्री हीट करें तो उसका टेम्परेचर अच्छे से लेवल होना चाहिए। और दूसरा है, जब आप डो रेडी करें पिज़्ज़ा के लिए तो वो भी अच्छे से अच्छा खासा रनिंग होना चाहिए। तो मैं आपको वो बताती हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे सबसे पहले आपको मिलेगी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक याद से कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर बनाते हैं डोमिनो स्टाइल पिज्जा हम और आप। तो पिज्जा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा 1 कप ऑल पर्पज फ्लोर यानी कि मैदा, 1/4 कप कर्ड यानी कि दही, और नेक्स्ट हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून शुगर एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट। विदाउट ईस्ट ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं इसलिए हमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों ही चाहिए होगा, ये दोनों मस्ट है। और सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे। और अब इसमें नेक्स्ट जाएगा नमक, और इसके बाद इसमें चला जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड शुगर। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सब अच्छी तरह से मैदे के अंदर में मिक्स हो जाए। और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक डो रेडी कर लेंगे। और पिज़्ज़ा का डो हमेशा रनी ही होता है, तो इस बात का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि डो रनी हो। और फ्रेंड्स, हमें जितनी ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और एक पतला सा डो रेडी करेंगे, रनी सा। पिज़्ज़ा का डो हमेशा रनी होता है, तो आप घबराइएगा नहीं कि ये तो डो हैंडल नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा का डो ऐसा ही रहता है तब भी पिज़्ज़ा सही बन। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाथ पे चिपक रहा है, बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए तभी परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा, बिल्कुल बाहर जैसा। और इसमें हम अभी 1/2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, इसे हम हाथ से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और थोड़ा सा इसे हाथ से राउंड सा शेप दे देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है तभी पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा। तकरीबन 5 मिनट तक हम पिज़्ज़ा डो को इस तरह से करेंगे। और अब हम इसे कवर करेंगे और गर्म जगह पे तकरीबन 1/2 आवर या फिर 1 आवर के लिए रखेंगे। अगर आप इसे 1 आवर के लिए रखेंगे तो बेस्ट है। और अब हम प्री हीट करेंगे। आपको जिसमें भी पिज़्ज़ा को बेक करना हो वो आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक पोट ले रही हूँ, तो मैं इसे प्रीहीट करूंगी। अब पिज़्ज़ा की बेकिंग के लिए इस बार हम इसमें स्टील का रैक नहीं रखेंगे, बाउल रखेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी हाइट चाहिए, क्योंकि पिज़्ज़ा की ट्रे या फिर प्लेट जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो वो हम रखने वाले हैं, वो थोड़ी स्लिम रहती है, इसलिए इसमें बाउल रखेंगे थोड़ी सी हाइट के लिए। और आपका पतीला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हाइटेड होना चाहिए और हैवी बॉटम होना चाहिए। और हाई फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। बहुत ही अच्छे से प्रीहीट करना है इसे। और वेजिस में देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा पिज़्ज़ा सॉस। याद है फ्रेंड्स, हमने पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक देती हूँ, ऊपर आई बटन में आएगा अभी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके ज़रूर से चेक कीजिए, बहुत ही ईजी है। और थोड़ी सी हमें प्याज चाहिए होगी, अगर आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चीज़ लेंगे मोजरेला, ब्लैक पेपर, और नेक्स्ट यहाँ पर है येल्लो कैप्सिकम, टमाटर, टमाटर का बीज निकाल दिया है, ग्रीन कैप्सिकम, सम स्वीट कॉर्न्स बॉइल्ड है, ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अगर आपको ज़रूरत लगे वेजिस में ऐड करने की तो ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स, डो को मैंने 1 आवर के लिए रखा था और ये देखिए डो हमारा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, रनी सा, बिल्कुल ऐसा ही, याद रखिए फ्रेंड्स। और डो को हम बाउल में से निकाल लेंगे, थोड़ा इस तरह से इसे शेप देंगे। और अभी हम इस पर थोड़ा सा मैदा या फिर आटा जो भी हो वो स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इस तरह से अच्छे से शेप देंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, याद रखें फ्रेंड्स। और 10 मिनट बाद जब हमारा डो रेडी हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से,
तब हम इसे नाइफ से दो पार्ट कर लेंगे और इसमें से एक पोर्शन लेंगे, इस पे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसे हम हाथ से रोलिंग करते जाएंगे। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से डोमिनोज वाले बिल्कुल इसी तरह से हाथ से ही करते हैं। रनी होगा डो हमारा तभी ये हाथ से अच्छे से फैलेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, इसलिए डो रनी होना मस्ट है हाथ से फैलाने के लिए। और अगर नहीं तो आप इसे एक बेलन लीजिए और बेलन की मदद से जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इसे आप बेल लीजिए, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कीजिए और ये देखिए इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, आपको जो भी सही लगे वो। सो फ्रेंड्स, घर पर पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही ईजी है, आसान भी है, बस दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहला है प्री हीटिंग और दूसरा है डो। दोनों ही चीज़ें अच्छे से रेडी होनी चाहिए, डो हमारा रनी होना चाहिए। और अब हम पिज़्ज़ा ट्रे या फिर प्लेट आप जो भी ले रहे हो उसे हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून से भी कम ऑयल लेंगे और हल्का सा इसे हम ग्रीस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा, और इसे हम सेट कर देंगे। और ये देखिए कॉर्नर्स को हम इस तरह से करेंगे ताकि इसके एजेस अच्छी तरह से शार्प हो जाए। और फ्रेंड्स, अभी इस पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे और पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे। और पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से लगाने के बाद इस पे हम स्लाइस्ड मोज़रेला चीज़ रखेंगे। इसके लिए आप मोज़रेला चीज़ ही लीजिए, अगर आपको टेस्ट चाहिए इसमें तो टेस्ट के लिए आप चेदार चीज़ यूज़ कीजिए, और अगर आपको स्ट्रेची पिज़्ज़ा चाहिए तो इसमें आप मोज़रेला चीज़ ज़्यादा यूज़ कीजिए। और अभी इस पे हम स्वीट कॉर्न्स लगा देंगे। और अब नेक्स्ट इस पे लगाएंगे हम कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम लगाएंगे, आप टमाटर लगा देंगे, और टमाटर के बाद इस पे जाएगा ग्रीन कैप्सिकम। और अब हम इस पे लगा देंगे प्याज, और अगर आपको फ्रेंड्स आपकी मर्जी के कोई भी वेजेस ऐड करने तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपको ऑलिव्स अच्छे लगते हैं तो आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं और कोई भी वेजेस जो आपकी पसंद का हो वो। और अगेन थोड़ा सा चीज़ लगाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर बेकिंग प्रोसेस में ही मुझे ओरेगानो, चिल्ली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर पसंद है, इसलिए मैं पहले से ही ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा को बेकिंग के बाद इसके अंदर ओरेगानो, ब्लैक पेपर एंड चिल्ली फ्लेक्स ऐड कीजिए, ये ऑप्शनल है। और अभी चलते हैं हम बेकिंग की तरफ, तो चलते हैं हमारे होममेड ओवन सेटअप की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है और अभी हम इसमें बहुत ही एहतियात के साथ हमारी पिज़्ज़ा ट्रे रखेंगे, ये बहुत ही गर्म है, और इसे हम बेक करेंगे हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इसे हमें हाई फ्लेम पर ही बेक करना है और 7 से 8 मिनट बाद आप चेक कीजिए, अगर बेक ना हुआ हो तो आप इसे और 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही बेक कीजिए, पर ध्यान रहे कि आपका पिज़्ज़ा जले नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही ईजी है, आसान भी है, तो आप भी बनाइए। और यहाँ पर रेडी है हमारा पिज़्ज़ा और अभी हम इसे कट करते हैं, आप चाहे तो इसे नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल है इसलिए मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से ही कट करूँगी, आप चाहे तो इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल बाहर जैसा ही बना है फ्रेंड्स, तो आप भी इसे बनाइए, आप भी खाइए, अपने अपनों को भी खिलाइए, इंजॉय करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, बाहर जैसा ही बना है फ्रेंड्स। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी सेंड कीजिए, और यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ कल आपसे एक और नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए मेरी रेसिपीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फ्रेंड्स, इंजॉय माई रेसिपीज़।